ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साई तीर्थ थीम पार्क के इस YouTube चैनल पे हम साई बाबा के अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं। आज का यह वीडियो उनके जीवन शैली पर एक नजर डालने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साई बाबा किस तरह सोया करते थे, उनका बिस्तर किस तरह का हुआ करता था, साई बाबा के सोने का तरीका उन दिनों भक्तों को आश्चर्य में क्यों डाल देता था। इसकी बड़ी ही रोचक और मजेदार कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को गुजारिश है, शिरडी और साई बाबा से जुड़ी छोटी छोटी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल साई तीर्थ थीम पार्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। एक बार निमगांव के श्री नाना साहेब ढेंगड़े, चार हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा, एक लकड़ी का तख्ता साई बाबा के शयन हेतु लेकर आए। तख्ता जमीन पे रखकर सोने की बजाय बाबा ने उसे पुराने और जीर्ण चिंधियों के सहारे उसे द्वारका माई के छत को झूले की तरह बांध दिया और उस पर सोना शुरू कर दिया। चिंधियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों के लिए उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया था। चिंधियां इतनी कमजोर थी कि तख्ते का भार भी न सहन कर पाए। फिर वो बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर रही थी, जिस भी किसी प्रकार से हो, यह तो बस बाबा ही जाने। इस तख्ते के चारों कोने पर बाबा दिए जलाते और रात भर इन जलते हुए दियों के बीच सोया करते थे। यह तख्ता जमीन से 8-10 फुट की ऊंचाई पर था। अब यह भी आश्चर्य की बात थी, इतने ऊंचे तख्ते पर बाबा कैसे चढ़ते और उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग यह जानने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, परंतु इसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ। बाबा के झूले पर चढ़ने और उतरने के रहस्य को सुलझाने के लिए द्वारकामई में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। इस कारण बाबा ने तख्ता तोड़कर द्वारकामई के बाहर फेंक दिया और जमीन पर सोने लगे। आपकी शिरडी यात्रा में साई दर्शन के बाद साई तीर्थ थीम पार्क को विजिट करें और आपकी शिरडी यात्रा को और भी शानदार और मंगलमय बनाए। शिरडी और साई बाबा से जुड़ी छोटी छोटी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।